ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप परेशान हो चुके हैं, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर करता है, कोई टोने टोटके आपके ऊपर करता है, आप ऐसे दुश्मन से परेशान हो चुके हैं या फिर आप भक्त हैं, तो आपको इस प्रयोग को करके अवश्य रख लेना चाहिए, इस मंत्र को तैयार करके अवश्य रख लेना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपको इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आज के समय में मैंने ये देखा कि बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र की क्रिया बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पास ऐसे सुरक्षित प्रयोग आपको अवश्य रखने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि ये जो प्रयोग है, ये केवल जब कोई ज्यादा ही अति करने लगे, कोई ज्यादा ही परेशान करने लगे, तभी इसका प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। यदि आप बेवजह किसी को परेशान करते हैं, बेवजह किसी को दुखी करते हैं, तो अच्छी बात नहीं होती। आपको ज्यादा ही कोई परेशान कर रहा हो, ज्यादा ही कोई दुखी कर रहा हो, तो तब आप इसका प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। करना क्या है, किस तरीके से करना आप समझ लीजिए। आपको होली दिवाली ग्रहण में इस मंत्र को आपको जाप कर पहले सिद्ध करना होगा। होली दिवाली ग्रहण में जब ग्रहण शुरू हो जाए, तब आपने आसन पर बैठ जाना है, और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र के आपने श्री बोश्री पांच माला जाप कर इस मंत्र को पहले सिद्ध कर लेना है। पांच माला जाप कर आप इस मंत्र को जाप कर ले, अन्यथा होली दिवाली में 11 माला जाप कर आप इस मंत्र को सिद्ध कर ले। पहले इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है, उसके बाद में जब प्रयोग करना है, तो प्रयोग करते समय आपको किस तरीके से प्रयोग करना है, आपने माता महाकाली के मंदिर में जाना है, और माता महाकाली के मंदिर में स्थान पर जाकर आपने माता महाकाली के सामने आपने 7 प्रकार की मिठाई, हलवा, पूरी, 5 पूरी और थोड़ा सा हलवा और 7 प्रकार की मिठाई, ये सब सामान आपने माता महाकाली के सामने एक काले कपड़े के ऊपर या काली चुन्नी के ऊपर रखकर आपने माता महाकाली के सामने रखना है। और मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का आपने वहीं पर 11 बार आपने जाप करना है, सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपने जाप करना है। जिस व्यक्ति ने तंत्र क्रिया की है, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर टोना टोटका किया हुआ है, तुरंत उसके ऊपर जाकर माता महाकाली का ऐसा कोप बरसेगा कि भूल कर भी आपकी तरफ नहीं ताकेगा, आपसे दूर भागेगा और भविष्य में आपकी तरफ कभी भी नजर उठाकर नहीं देख सकता। बड़ा ही पावरफुल तरीका है इसका। वैसे दूसरा स्वरूप भी है, मैं आपको हनुमान जी के साथ खड़े तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत ही व्यक्तियों को करना चाहिए, ज्यादा ही कोई अतिताई कर रहा तब इसका प्रयोग करें। इसी समान के साथ आपने एक दारू का पौवा आपने लगाकर आपने भोग में दे देना है, बस इससे ज्यादा तो मैं नहीं बताता। तो आपने एक दारू का पौवा आपने वहीं पर लगाकर भोग में आपने माता महाकाली के भोग में आपने दे देना है। शत्रु तड़फेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, भागेगा, भूल कर भी आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। तो आप पहले मंत्र सुनिए, मंत्र सुनते ही आप समझ जाओगे, बड़ा ही पावरफुल तरीका है। मंत्र आप सुन लीजिए, मंत्र है ओम आदि काली अनादि काली चले रूप धर विकराली, मसानों की मसानी अष्ट भवन की भवानी, एक हाथ खप्पर एक हाथ खप्पर जा, पहुंचो बैरी दुश्मन के घर, कोई रहे ना कसर, पर तंत्र पर मंत्र पर यंत्र पर क्रिया पर अविचार, हर गुण का गुनिया काट कूट कर भस्म, चले तेरा खप्पर विष्णु का चक्कर, सब माया जाल जाए सातवें पाताल, ओम अनंत काली हुम फट स्वाहा। बस आपको जब समय प्रयोग करना है, 11 बार इस मंत्र का आपने माता महाकाली के सामने भोग देते हुए 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। एक तरीका और बता दे रहा हूं, यदि मंदिर में आप जाकर भोग नहीं दे सकते, तो अपने घर पर अंगारी जलाकर, कपूर जलाकर, वहां पर भी आप इस चीज का भोग देकर आप शक्ति को चला सकते हैं। बस इस तरीके से आप प्रयोग करें, लेकिन अच्छे के लिए करें, गलत के लिए कार्य होगा ही नहीं। यदि कोई आप परेशान बेवजह किसी को परेशान करना चाहते हैं, बेवजह किसी को दुखी करना चाहते हैं, तो ये कार्य होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सात्विक क्रिया है और आप सही हैं, दूसरा गलत आपके लिए कर रहा है, तो तुरंत कार्य होगा, 101% कार्य होगा। इस उपाय को आप करें, एकदम सफलता प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।